ये कहानी है भारत के राष्ट्रीय पशु बनने के मुकाबले की, जिसमें बाघ को सामना करना पड़ा था भयानक शेर का, और बाघ जीत गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आप सोचते होंगे कि बाघ इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब थोड़ा पेचीदा है, लेकिन हम कोशिश करते हैं इसे समझने की। बाघ एक माहिर शिकारी है और आहार श्रृंखला में सबसे ऊपर है, जिसका मतलब है कि इनकी मौजूदगी इकोसिस्टम के लिए भी जरूरी है। है ना ये कमाल की कैट? अब बात करते हैं भारत में बाघ की तरफ दिलचस्पी की। 5000 साल पहले इसे बनाया गया था मशहूर पशुपति मोहर पर, जो सिंधु घाटी की खुदाई के दौरान हासिल हुई थी। टीपू सुल्तान ने अपने खिलाफ अंग्रेजी सेना को डराने के लिए एक असली लगने वाला लकड़ी का बाघ बनवाया, जो एक अंग्रेजी सैनिक को मारते हुए दिखाई दे रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये चलते अंगों और एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के इस्तेमाल से बनाया ऐसा तालमेल था जो सैनिक की दर्दनाक मौत को दर्शाता था, जैसे साइकोलॉजिकल वॉर में होता है ना? जब RBI ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की जगह ली, तब वो भी अपनी मोहर को बदलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शेर और पाम ट्री की मोहर को बाघ और पाम ट्री से बदल दिया, और ऐसा लगने लगा कि बाघ सिर्फ और सिर्फ भारतीय है। हालांकि शेर को ही असल में भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था, लेकिन 1973 में ये दर्जा बाघ को दे दिया गया। इसका कारण था, बाघ दुनिया भर में खास था और हमारे देश के 16 राज्यों में पाया जाता था, जबकि एशियाटिक लायन सिर्फ गुजरात में। पर फिर भी बाघों को ज्यादा से ज्यादा संरक्षित करने की जरूरत थी। प्रोजेक्ट टाइगर का मकसद भारत में कई टाइगर रिजर्व्स स्थापित करना है। इस परियोजना के चलते अब तक देश में 52 टाइगर रिजर्व्स बनाए जा चुके हैं, जो कि फैले हुए हैं 72,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा के क्षेत्र में। ये बहुत ज्यादा जगह है, और इसकी वजह है एक बाघ को बाकी जानवरों के मुकाबले ज्यादा जगह की जरूरत होती है। आप भी सोच में पड़ गए हा? और अभी भी भारत घर है दुनिया के 70% बाघों का। शेरों के उलट बाघ शिकार के लिए लड़ते नहीं, बल्कि बाघ तो अपने शिकार को साझा करने के लिए जाने जाते हैं, और नर अक्सर मादा और बच्चों के शिकार खा लेने तक अपनी बारी का इंतजार करता है, किसी भी दूसरे शिकारी जानवर के उलट। है ना ये एक शानदार शिकारी? बाघिन की इस प्रजाति के बीच भारत में एक खूबसूरत और मशहूर मादा थी, मछली। जी, एक बाघिन जिसका नाम था मछली। ठीक है, हंसिए मत। जैसा कि कहा जाता है कि बाघ उन चुनिंदा बिल्लियों में से है जिन्हें तैरना पसंद है, तो इसमें हैरानी कैसी कि एक बाघिन का नाम मछली रखा गया था। लेकिन असल में ऐसा माना जाता है कि उसके चेहरे पर मछली के निशान ने उसे ये नाम दिया। इसके अलावा कभी भी दो बाघों की धारियों का पैटर्न एक जैसा नहीं होता, हालांकि वो सभी दिखते एक जैसे हैं, लेकिन असल में ये सब यूनिक हैं, बिल्कुल एक QR कोड की तरह। हम अक्सर ऐसी घटनाओं के बारे में सुनते हैं जहां बाघ कॉलेजों, घरों और इंसानों के इलाकों में घुस जाते हैं। देखा जाए तो बाघ हमारे इलाकों में नहीं घुसते, बल्कि हम उन्हें उनके इलाकों से हटा देते हैं और उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं। उनके नेचुरल हैबिटेट को बचाना बहुत जरूरी है, और इसी के लिए भारत में टाइगर रिजर्व्स बनाए गए हैं। बाघों की इस तादाद को बचाने की कोशिश में दशकों से